एसटीडी मतलब रक्षित सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आप लोग का स्वागत है सक्सेस पॉइंट पे। हम आज 8 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सब बच्चा सब बोल रहा था कि सर 8 क्लास को भी पढ़ाइए, तो ऑनलाइन 8 क्लास का आज से स्टार्ट करते हैं। देखते कितना बच्चा देखता है, किसको किसको अच्छा लगता है। हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या रेसलर नंबर। क्या रेसलर नंबर? मेरा क्वेश्चन है कि इसको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक को जानते हैं, होता क्या है नंबर। पहले क्या है नंबर, होता क्या है, कितना नंबर होता है, सबके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक अच्छा से जानिएगा तो बहुत ईजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। देखते हैं बेसिक में क्या है। पहले आप भी पढ़ते आ रहे होंगे राकेश संख्या, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है। सिंपल से वर्ड में हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉटेड डॉटेड कहाँ तक, इनफिनाइट तक। यहाँ तक समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर टू, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, नेचुरल नंबर। क्वेश्चन टू है वो रहा है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर मतलब सिंपल से वर्ड में बोलते हैं 0 से लेकर 1, 0 से स्टार्ट करेंगे आप काउंट की संख्या को क्या बोलेंगे, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 डॉटेड डॉटेड कहाँ तक, इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब समझ में आता है अनंत, जिसको हम लोग तय नहीं कर सकते कितना लंबा है, मतलब अनंत, बहुत दूर तक। इसलिए क्या बोलेंगे, नंबर वो अनंत तक है। क्वेश्चन ये है, जीरो का खोज पता है आपको, ये भारत का ही वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने खोजे थे। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि जीरो होता है। और सबसे पहले आदमी पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही काउंट करता था, इतना ही जानता था, कोई जानता ही नहीं था कि और भी होता है क्या नंबर। तो आर्यभट्ट हम लोग का जो भारत का वैज्ञानिक थे, उसी ने जीरो का खोज किया था, जिसको शून्य का खोज बोलते हैं। उसी के बाद से आप कोई भी संख्या आप ही को बढ़ेंगे, 10 लाख 20 लाख करोड़ और लिखिए, आराम से लिख लीजिएगा, मतलब जीरो आया है तभी हो पाया है। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि कोई नंबर होता है। और अधिकतर देखिएगा आपको इतना ही नंबर का यूज होता है। अब कितनों बड़ा से बड़ा नंबर को लिखिए, कितनों बड़ा से बड़ा नंबर लिखिए, आप इसी नंबर का यूज है, मतलब ये 10 का ही क्या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आप किसी नंबर को भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आगे चलते हैं, पूर्ण संख्या समझ में आ गया। बेसिक भी पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज तो पढ़ाएंगे ही आपको, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। थर्ड नंबर में बोलते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होता है जो आप ग्राफ में यूज करते हैं। क्या होता है ग्राफ में, 0 1 2 3 मतलब नंबर लाइन पे। क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3। ये कहाँ जाएगा, माइनस इनफिनाइट तक। इधर जाएगा क्या, इन्फिनाइट तक, मतलब प्लस इन्फिनाइट तक। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब ये 0 से इधर जाता है माइनस इन्फिनाइट तक, और उधर जाता है क्या, प्लस इन्फिनाइट तक। आगे देखते हैं फोर नंबर, प्राकृतिक संख्या बता दी आपको, पूर्ण संख्या बता दिए, पूर्णांक संख्या बता दिए, अब आपको बताते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब तो जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब क्या हो गया, 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, बहुत सारा नंबर है। ये भी कहाँ तक जाएगा, इंटरनेट तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में क्या होता है, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब हो गया 1 2 1 3 1 3 1 3 5 7 9, ये क्या हो गया ऑड नंबर।
यहाँ तो समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, हम समझाने के लिए तैयार हैं। अगर आप समझे समझने की कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप थोड़ा कोशिश कीजिए। हम तो समझाने के लिए तैयार हैं, आपको इतना इजी मेथड बताएंगे कि लगे कि हाँ है कुछ। कुछ देखते हैं कब तक बताया आपको। फाइव नंबर, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर होता है प्राइम नंबर। आप तो पढ़ते आते हैं, प्राइम नंबर मतलब हो गया क्या, अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब इससे संख्या को बोलते हैं जो खुद और वन से डिवाइड हो, जो खुद और वन से डिवाइड हो। क्या हो सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या टू, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन होगा क्या, नहीं होगा, इलेवन होगा, थर्टीन होगा, सेवनटीन होगा, उसके नाइनटीन होगा, उसके ट्वेंटी थ्री होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि टू जो है ना, टू ही एक ऐसा सम संख्या है जो क्या है, प्राइम नंबर भी है, जो प्राइम नंबर भी है। हो गया, एक नॉन प्राइम पूछता है, वो जरूरी नहीं है, ये प्राइम जान गए तो काफ़ी है। आगे हम लोग जानते हैं, अब आए हम लोग चैप्टर पे, जिसको पढ़ना है रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा ये है कि वैसी संख्या जिसको p by q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जिसको p by, वैसी संख्या डिफरेंशियल लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको p by q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q not equal to zero, q not equal to zero मतलब q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी लीजिए, इसको थोड़ा डिटेल जानते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे जीरो, ये क्वेश्चन पूछता है जीरो क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, क्योंकि जीरो का हम लिख सकते हैं क्या, जीरो बाय टू, जिसको क्या पी बाय क्यू को लिख सकते हैं क्या, नहीं, पी इक्वल टू जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू टू हो गया, और इसी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, जीरो एक परिमेय संख्या है। यह आ गया समझ में। रूट फोर बोलिए परिमेय संख्या है या नहीं है, क्योंकि रूट फोर का वैल्यू क्या होता है, टू। और रूट फाइव बोलिए परिमेय संख्या है या नहीं, नहीं है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट फाइव का वैल्यू निकलता ही नहीं है। याद है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछता है जो रिपीटेशन होता है, जैसे सपोज डेट 0.33333 ऐसे चलते रहेगा, क्या आ रहा है, रिपीटेशन है, मतलब एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पावर 12, मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या बोलेंगे, ये रेशनल नंबर है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तो समझ में आ गया, इसी में बताते हैं हम। जैसे सपोज डेट 0.437, ये रिपीटेशन नहीं है, 8, 9, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन है क्या, नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा आगे, परिमेय संख्या के साथ साथ परिमेय संख्या आता समझ में आ गया ना, ऐसे संख्या जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं सिंपल सब वर्ड में। सिंपल सब वर्ड में अब देखते हैं आगे। एट नंबर, परिमेय जाने तो अपरिमेय भी जाना जरूरी है, मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको p by q रूप में नहीं लिख सकते हैं, मैंने ऐसी संख्या जिसको p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, q not equal to zero, q not equal to zero मतलब ऐसी संख्या जिसको p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सपोज डेट बहुत सारा नंबर आएगा, जैसे रूट फाइव, क्या ये लिख सकते हैं इसको हम लोग, नहीं। ये हो गया, जैसे आपको बताए थे 4.38962 7, 8, 9, क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर है ना,
एक इसलिए क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या, इसी में यदि रहता ये चीज तो क्या हो जाता है ये परिमेय संख्या हो जाता। बट लेकिन ऐसा हम बोल रहे हैं कि ये नहीं है, मतलब क्या हो गया इरेशनल नंबर, यहाँ तक समझ में आ गया। और सपोज डेट बहुत सरल नंबर रहेगा 63, क्या है इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग भी सोचते हैं सर उतना देर खर बेसिक बता रहे हैं, चैप्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा चैप्टर में आप लोगों का क्या है और उसके साथ समझाएंगे ना। तो क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.1, क्या एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या बोल रहा है 4/5 -4/5 को कि एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित है, मतलब क्या बोल रहा है एक ऐसी एक वन नंबर में बोल रहा है जिसको 4/5 है, 4/5 है, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि इसको हर में कितना होना चाहिए, हर में कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। बोल रहा है कि इसको किसके साथ गुना करेंगे जो हर में कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। आप भी तो सोच सकते हैं यहाँ 5 है, किससे गुना करेंगे ऊपर नीचे 6 करेंगे, आएगा कितना हो जाएगा -24/30, यही तो है आंसर। आगे समझ में बहुत सिंपल सा है, इसी में देखते हैं -4/5 है, बोल रहा किसके साथ गुना करेंगे जिसका हर होना चाहिए -45, जिसका बोल रहा हर कितना होना चाहिए -45, यह क्या है 5 है, क्या है 5 है, ये माइनस नीचे भी आ सकता है, ये माइनस नीचे भी आ सकता है, क्या है 9/9 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36/-45, ये माइनस यहाँ नीचे आ गया आता है, यहाँ तो समझ में आ गया वो नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए कीजिए जिसका हर 5 हो, मतलब क्या बोल रहा है -36/60 को, क्या बोल रहे हैं -36 को हर कितना आना चाहिए, हर बोल रहा है 5 आना चाहिए, क्या बाय 12 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा -36/60 12/12 क्या हो जाएगा, नहीं 12 नहीं ऐसे नहीं होगा, 12 से हम डिवाइड करने बोल रहे थे, 12 से डिवाइड करेंगे इसको भी उसको भी क्या आ जाएगा -36/12 ये क्या आ जाएगा 60/12 ये 5 ये 3 मतलब क्या हो गया -3/5 हर कितना हो गया 5 आया। ये एक तो मेथड है, दूसरा मेथड बताते हैं, दूसरा मेथड इसमें आ जाएगा दूसरा सेकंड और क्या बोल रहे हैं -36/60 है इसको 12 से कटिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 12/5 60 मतलब क्या हो गया -3/5 यही तो है आंसर, यहाँ तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा पढ़िए क्या बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक के रूप में लिखिए, मानक मतलब स्टैंडर्ड, मानक मतलब स्टैंडर्ड, इसको बोल रहा है एक स्टैंडर्ड के रूप में लिखने बोल रहा है, क्या है -8/6 इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब हो गया मानक, मतलब इसको ऐसा रूप में दीजिए जो उसको अब कटेगा नहीं, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, जिसके गुना नहीं कर सकते हैं, सिंपल से वर्ड में क्या आ जाएगा ये क्या है 4e3 और कट रहा है क्या नहीं 4/3 यही तो आंसर। 2 नंबर क्या बोल रहे हैं -12/13 कटेगा किसी का, क्या 5/6 से कटेगा क्या हो जाएगा -2 ये क्या हो जाएगा 5 मतलब क्या हो गया -2/5। 3 नंबर में क्या बोल रहे हैं क्या 16/-, ये क्या 8 से कट जाना चाहिए 2/3 मतलब क्या हो गया 2/-3। 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं
-28/30, -28/35, माइनस माइनस कटा, ये क्या हो सात चौके 28, 7 बजे 35 मतलब क्या हो गया 4/5, समझ में आ गया, बहुत ईजी था, बहुत ईजी ही है सब, ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, सब ईजी लगेगा, और हम जो बताएंगे आपको इतना ईजी लगेगा ना, हम चाहते हैं कि एकदम इजी से इजी मेथड में आपको प्रोवाइड करें, मतलब आपको दे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको भी आप भूलिएगा नहीं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, मतलब बड़ी एक जानना जरूरी है, ये क्या है, ये क्या होता है बड़ी, ये क्या होता है बड़ी, ये क्या होता है छोटी, मतलब सिंपल शब्द में ये होता है स्मॉल, ये क्या होता है लार्ज, ठीक है, ये दिख रहा है आपको टाइप का, ऐसे ऐसे जो घुसा हुआ रहता है ना वो क्या होता है बड़ा, जो घुसा हुआ रहता है वो बड़ा होता है, जो बाहर में होता है छोटा है, समझो ना, जो होता है ना जो पैसा वाला होता है वो घर में घुसा रहता है, बोलता है कि हम बहुत पैसा वाला है हम घर में ही रहेंगे, और जो छोटा आदमी है क्या करता है दिन भर इधर कमाता है खाता है पीता है रहता है, अब लॉकडाउन में अभी समझ रहे हैं, ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है 2/3, 4 का ए 2/3 और है 5/2, इसमें बोल रहा है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, दो मेथड बताएंगे आपको, पहला मेथड देखिए नीचे क्या दिख रहा है 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 6 आया ना, दोनों को 6 से गुना कर दीजिएगा, 2/3 को 6 के साथ गुना किए, इसको 5/2 को 6 के गुना किए, ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15, अब बोलिए कौन बड़ा है, 15 बड़ा है ना, इसलिए 15 बड़ा है तो मतलब ये बड़ा है, इसलिए क्या देंगे हम लोग चिन्ह ऐसे देंगे, आगे समझ में एक तो मेथड बता दिए, दूसरा मेथड बता रहे आपको, क्वेश्चन था 2/3 और 5/2 नहीं जान रहे आप वैसे वाला, इसको भाग दे दीजिए, दशमलव क्या हो जाएगा 10 20 हो जाएगा, 6 18 क्या बचेगा 2, सिंपल सा वही आते रहेगा 20 18 2 यही आते रहेगा, मतलब ये वैल्यू आ गया इतना, इसको भाग दीजिए 2 को 5 से भाग देंगे, जो आपको ये लग रहा है वो बनेगा, क्या 2 बार में लेंगे क्या हो गया 4, क्या हो गया 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 10 5 5 10 कट गया, मतलब क्या हो गया इसका वैल्यू देखिए 2.5, इसका वैल्यू क्या आ गया 0.66, बड़ा कौन है 2.5 है ना, इसलिए बड़ा कौन आ गया ये हो गया, इसको ऐसे खेल देंगे, आ गया है तो समझ में, जो मेथड आपको इजी लग रहा है वो मेथड का फॉलो कीजिए, क्वेश्चन नंबर इसी का बी क्या बोल रहे हैं 1/2 और 0 कौन बड़ा है, ऑब्वियसली क्या है इसका वैल्यू होता है 0.5, आई क्या है 0, इससे बड़ा ही होगा ना 0 से, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहे हैं -2/5 आई क्या होता है 0, बोलिए माइनस है ना 0 से क्या होगा छोटा ही होगा ना, इसलिए इधर हो जाएगा, मतलब 0 बड़ा है, डी नंबर क्या बोल रहा है -4/7 वो क्या है 4/7, देखिए ये माइनस है, नीचे का हर क्या है हर इक्वल है, जब हर इक्वल है तो सिर्फ ऊपर को देखना है हम लोग अंश को, अंश देखिए माइनस है ये प्लस है, मतलब क्या हो गया प्लस वाला बड़ा होगा, क्वेश्चन नंबर ई है क्या, क्वेश्चन नंबर ई में बोल रहा है -5/6 और क्या है -4/3, ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 6 होगा, -5/6 को 6 के साथ गुना करेंगे और -4/3 को 6 के साथ गुना करेंगे, ये क्या हो गया कट गया -5 आ गया, इसका क्या हो जाएगा ये 2 हो गया, मतलब क्या हो गया -8, अब बोलिए कौन बड़ा होता है, देखिए माइनस रहता है ना तो उल्टा होता है, मतलब -8 छोटा होता है किससे -5 से, मतलब ये क्या हो गया -5/6 ये बड़ा है किससे -4/3 से, यहाँ तो समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर एफ
क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन एफ में बोल रहा है -7/8 और क्या बोल रहे हैं 3/-8। देखिए माइनस तो दोनों में है, और क्या है माइनस दोनों में है, उसके बाद देखिए हर क्या है, मतलब इसको लिख सकते हैं -7/8, इसको क्या लिख सकते हैं -3/8। हर तो दोनों में है इक्वल, लेकिन देखना है माइनस, देखिए -7 है -3, हम बोल रहे थे कि नंबर संख्या बड़ा है यदि माइनस है तो उसका वैल्यू क्या होता है छोटा होता है, मतलब ये क्या हो गया इधर वाला बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। आज यहीं तक रखते हैं ताकि आप थोड़ा पढ़िए अच्छा से, उसको नोट बनाते चलिएगा इजी लगेगा, ठीक है। हम एक चीज़ बताना चाह रहे थे, मतलब देखिए पढ़ने का तरीका ये है कि कैसे पढ़ना चाहिए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलने सीखो। मेरा क्वेश्चन है कि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर की तरह व्यवहार कीजिए, उसे चलिए, उसे पढ़िए लिखिए, तभी टॉपर बनिएगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसमें टॉपर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा क्वेश्चन है कि सूरज की तरह यदि आप चमकना चाहते हैं, यदि टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स।